ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ये दादा साहब के फ्रंट पे हम बिल्कुल खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ मेरे साथ अगर आए कैमरामैन साहब तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ इनफैक्ट सूरत हाल क्या है। ये नो गो एरिया लगा दिया गया, नो गो एरिया लगा के तो ये रोड थी, मतलब रोड कितनी थी, रोड तकरीबन 30 फीट ये है और तकरीबन 30 फीट ये है, तो 60% फीट रोड जो है उसे ब्लॉक करके और यहाँ पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए गए। और अब ये सूरत हाल यहाँ होती है कि यहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो गुजरते हुए लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और ये रोड ब्लॉक रहती है इसी वजह से। और अगर आप इसके बरक्स देखें तो ये वो रोड है जो दादा साहब को आ रही है, इस रोड पे भी सेम यही सूरत हाल है। अगर कैमरामैन साहब दिखा सकें तो आप देख सकेंगे कि ये सूरत हाल जो है तकरीबन ये देखें, वहाँ नो गो एरिया का बैरियर लग गया और ये देखें, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, आप देखें अगर तो ये रोड तकरीबन 40 फीट रोड है, 40 फीट ये और 30 फीट ये तकरीबन 70 फीट रोड जो है, तकरीबन 70 फीट उस रोड पर कब्जा करके और उसे पार्किंग की जगह बना दिया गया और वहाँ ठेके पे दे दी गई। और इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, किसको जाता है, कैसे जाता है, लेकिन एट द एंड मसला किसको है, पब्लिक को, रुकती कौन है और प्रॉब्लम्स कहाँ किसको फेस करना पड़ता है, वो हमारे पब्लिक को, हमारे आवाम को जो है वो सारा कुछ फेस करना पड़ता है। और इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि ये नो गो एरिया बना दिया। अब लाहौर में दादा साहब के बिल्कुल सामने एसी साहब ने बहुत अच्छा किया, हमें दो सड़कों का विजिट करवाया और उन्होंने बताया कि ये इंक्रोचमेंट से खात्मा हमने किया है, लेकिन इस नो गो एरिया का आप क्या करेंगे, इस नो गो एरिया का कौन कर क्या करेंगे और ये किस कानून के तहत सड़कों को आप नो गो एरिया बनाकर और गैर कानूनी पार्किंग में से तब्दील कर देंगे, किस लॉ के तहत? अगर ये सारे इदारे मिलकर भी कोई लॉ बना लें और बना के उस पर सिग्नेचर्स करके आवाम को फैसिलिटेट करें तो आप किस तरह बेसिक वायलेशन कर सकते हैं? और आईने पाकिस्तान का वो आर्टिकल जो आपको फ्री एक्सेस का राइट देता है कि सड़क पर आपकी एक्सेस फ्री होगी, आप मूव कर सकेंगे, फ्री टू मूव का राइट देता है, उसी आर्टिकल को आप एब्रोगेट करके तो आप किस तरह से यहाँ पार्किंग जो है उसे कायम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। और इसके नतीजे में फिर लोगों को मसाइल, यहाँ एम्बुलेंसेस गुजरना हो वो मसाइल का शिकार, सारा दिन पब्लिक जो है इस ट्रैफिक में फंसी रहती है। और दादा साहब कभी भी कोई भी इधर से रिपोर्ट कर रहा हो वो ये नहीं कह सकता कि दादा साहब ट्रैफिक जो है वो बहाल है, यहाँ तकरीबन 24 घंटे मैस रहता है और ट्रैफिक फंसी रहती है। ये अशफाक साहब ये देख रहे हैं आप, ये कितनी बड़ी कब्जा है, कितना बड़ा कब्जा है और ये दादा साहब के बिल्कुल सामने हम जहाँ खड़े हैं, कैमरामैन दिखाएं, बिल्कुल हम दादा साहब के फ्रंट पे खड़े हैं, कैमरामैन साहब अगर हम दिखा सकें तो बिल्कुल दादा साहब के हम फ्रंट पे खड़े हैं, एग्जैक्टली उसके सामने खड़े हैं जी। बिल्कुल दादा साहब के इर्द गिर्द तजावजात ख़त्म हुई लेकिन दादा साहब के बिल्कुल सामने एक पार्किंग बना दी गई है और वहाँ पर मोटरसाइकिलें पार्क हो रही हैं। हालांकि जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने ये हुक्म दिया था कि यहाँ पर एक प्लाजा बना लिया जाए ताकि जितनी मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ हों वो उस प्लाजे में उनको पार्क किया जाए और दादा साहब के सामने इर्द गिर्द पौधे लगाए जाएँ, यहाँ पर लोगों के बैठने की जगह बनाई जाए ताकि लोग यहाँ पर आकर एक दिली जो सुकून है वो हासिल कर सके, ना कि यहाँ पर आपने देखा कितनी स्मेल आ रही है, यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते जिस जगह पर आप जा रहे हैं, नाराज होंगे। बात ये है, देखें ये देखें बैरियर लगा के इसकी भी पार्टीशन की है, आधा हिस्सा किसी और को ठेके पे दिया हुआ है, आधा हिस्सा किसी और को ठेके पे, दो ठेके हैं इसके, दो ठेके हैं या एक ही बंदे के ठेके हैं, दो हिस्सों में डिवाइड किया है, उधर वाले लोग इधर बाइक लगाए, इधर वाले लोग इधर बाइक लगाए। बाद में हुकूमत की बात करूंगा, जब ये पार्किंग कंपनी लाहौर पार्किंग कंपनी बनी थी तो उससे बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट में जो MOU में साइन था कि ये आप पार्किंग के लिए प्लेसेस क्रिएट करेंगे, अब हुकूमत ने क्या किया कि सड़कों को पार्किंग के लिए बना दीजिए, सबसे गैर कानूनी है, हमने खुद उनका MOU पढ़ा जबकि अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो ये हुकूमत कहते हैं किसको, आप हुकूमत जो ना किसको कहते हैं आप, इलेक्टेड चोजन हुकूमत होती है, अवामी नंबर होती है, अच्छा उन्होंने पॉलिसियां बना दी होती है, पॉलिसी ऐसी उन्होंने बना दी कि सड़कें दे दी मलिक साहब, अब हम AC को लिए फिर रहे हैं और किसी को कभी DCO को लेकर भाई साफ करवाओ। जब आपकी बात कंप्लीट हो जाए ना तो फिर जरा लोगो मेरी तरफ कीजिएगा ताकि मैं आपकी जरा अच्छे तरीके से सेटिस्फेक्शन कर सकूं, मैं आपको बता सकूं कि आप ये हम सारा कुछ ब्लेम गेम करते हैं, लोगों पे डाल देते हैं, लोगों पे डाल देते हैं, इंतजामिया पे डाल देते हैं, हम खुद मुझे कहने देना। देखिए बात ये है कि हम अपनी लोगों को वोट किस लिए देते हैं, इसलिए देते हैं कि जब हुकूमत में आएंगे तो हमारी तकालीफ का अजाला करेंगे,
जब वो खुद ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, खुद ही ऐसी कंपनियां गैर कानूनी बना देते हैं। अब जिससे भी पूछो वो कहेगा हमजा की कंपनी थी। भाई अगर हमजा की कंपनी थी, हमजा के बाप का रोड तो नहीं है, ये तो शहरियों का रोड है। और शहरियों का रोड का मतलब है कि मैं भी और आप भी इस पे चल सकते हैं। अगर आपकी बात लंबी है तो फिर मैं कल आ जाऊँ, कर ले आप। चले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा सुन ले, अच्छा सुन ले, मेरी सुन ले, रिश्तेदार नहीं है, सुन ले। आप साहब का हुकूमत को गए तकरीबन 1.5 माह हो गया, नहीं अच्छा सुन लेना यार, सुन लेना यार, नहीं हुकूमत को आए 1 माह हो गया। क्या जस्टिस को पता, हाई कोर्ट को पता चल गया कि दाता दरबार के इर्द गिर्द एनक्रोचमेंट है? क्या नई हुकूमत को नहीं पता चला? क्या सुबाई वजीर बल्दियात को नहीं पता कि दाता दरबार के सामने जो सड़क है वो पूरी की पूरी जो है वो पार्किंग स्टैंड में तब्दील? अच्छा आप खड़े, अच्छा मेरी सुन लेना यार, मैंने आपको पहले कहा था मेरी बात पूरी सुन ले। जिस जगह हम खड़े है ना, ये तो सड़क का एक हिस्सा है, जरा थोड़ा सा हम चल के आगे चलते हैं, पूरी की पूरी सड़क जो है ना वो बंद कर दी गई है, पूरी की पूरी सड़क पार्किंग के नाम पे बंद कर दी गई है। तो क्या इंतजाम है? नीचे नीचे बेसमेंट खोले ना जो इसके लिए बनाई गई है। इंतजामिया सो रही है, बात करते हैं मलिक साहब बड़े आराम से जी, सियासतदान ये कर रहे हैं, सियासतदान वो। ओ भाई, ओ भाई ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? ओ यार ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? चीफ मिनिस्टर कहेगा, यहाँ के वजीर कहेंगे, चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है? चीफ वो है कहाँ? और जब आप साहब के साथ, ओ भाई जब आप साहब के साथ नाम लेंगे ना, और आप खड़े हैं नहीं आज यहाँ लाहौर, आज मुझे आज सिविल सोसाइटी नुमाइंदगी, आज फहद मलिक कर रहे हैं, मुझे अब कहाँ है, आज कहाँ है किसी वजीर को ले आए? ओनरशिप नहीं जो है ना, हुकूमती स्पोक्स पर्सन लग रहा है, हुकूमती वोकल पर्सन लग रहा है। कहाँ कह रहा हूँ मैं, तो तनकीद कर रहा हूँ भाई। अब्दुल्ला मलिक किसके साथ है? मैं कह रहा हूँ हुकूमत के साथ है, इंतजामिया के साथ है, आवाम के साथ है? माफिया मलिक साहब, मैं माफिया के खिलाफ हूँ। वो माफिया बिल्कुल, और किस माफिया पे कंट्रोल किसने करना है? ये कॉर्पोरेशन रियासत ताकतवर है कि माफिया लगवाते, ये माफिया, ये दुकानदार माफिया। और भाई रियासत ताकतवर है माफिया, रियासत ताकतवर है माफिया, माफिया है माफिया। तो फिर रियासत को खत्म करके इंतजामी अमूर माफिया को दे देना भाई। अभी अभी माफिया की बात करते हैं, ये जो दाता दरबार में माफिया बैठा है, अभी अली अकबर कुरैशी साहब ने 20 लाख रुपए मुखैर अदराज से इनके बाथरूम ठीक कराने के लिए दिया, और करोड़ों रुपए काहे के लिए कमाते हैं, जेबों में जाते हैं ना, ये माफिया हुआ भाई। फिर आप इंतजामी अमूर माफिया को दे देना, अगर आपकी रियासत कमजोर है, रियासत की रिट कमजोर है, फहद साहब ये बहस बराए बहस है, ये बिल्कुल कोई काम की बात नहीं कर रहे मलिक अब्दुल्ला साहब। आज अब्दुल्ला मलिक साहब हुकूमती स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं, मुझे ये बताएं आपसे कुछ देर पहले यही बात कर रहे हैं, जवाब कर रहे हैं, वो कहते हैं हुकूमत की रिट मजबूत होती है तो ये माफिया खत्म हो चुका। पहले तो वो इसी सिटी की तारीफ में जमीन आसमान कर रहे थे, अब मुझे ये बताए ना कि ये सड़क एसी सिटी को नहीं पता, डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता, कमिश्नर को नहीं पता कि दाता दरबार के बिल्कुल सामने 30 फुट की सड़क, 30 फुट की सड़क में नहीं है। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर मुझे बताएं, कमिश्नर इनके सुन ले पहले, इनके शोर में जो मैंने बात करनी है वो बात नहीं, आप मुझे बताएं कमिश्नर कौन है यहाँ पर? ये सारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, सबसे पहले जो आप इसको क्रिएट कर रहे हैं, माफिया कह रहे हैं स्टैंड को, सबसे पहले बेसमेंट तो खुलवाए आप, पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक के लिए किधर है बेसमेंट, पार्किंग स्टैंड किधर है? क्योंकि सड़क पे फिर जायज है पार्किंग, जायज नहीं आप, अच्छा आप पार्किंग स्टैंड बात कर रहे हैं कि स्टैंड पार्किंग गलत है, गलत है, गलत है। इनका क्वेश्चन देता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ बेसमेंट के हवाले से, बेसमेंट के हवाले से जब खुदकुश हमला हुआ था उसके बाद सुन ले बात, उसके बाद ये CCPL लाहौर एक हफ्ता पहले अपनी टीम के साथ अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि खतरे के बायस हम बेसमेंट को नहीं खोल रहे, क्योंकि खुदा ना हादसा वहाँ पर किसी गाड़ी में कोई ब्लास्ट हो गया तो बहुत इतना बड़ा नुकसान होगा कि संभालना, एक मिनट बात सुन लें, संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस पर फिर जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने कहा कि फिर आप सड़क पर गाड़ियां पार्क नहीं कर सकती, आपको उधर प्लाजा बनाना होगा, वहां पर जगह देखें, एक्वायर करें, गवर्नमेंट को कहें। टाइम खत्म हो गया हमारे पास, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मेरा सवाल यह है, यहाँ पर 12 अरब रुपए से यहाँ पर CCTV फुटेज कैमरे लगे सेफ सिटी के, क्या उनको इंक्रोचमेंट नजर नहीं आती? क्या जब उन कैमरों को देख के क्या हुकूमत पॉलिसियां नहीं बना सकती? भाई यहाँ कोई नहीं बनाएगा। दादा साहब के बिल्कुल सामने आपको रोड दिखाई, और उन रोड्स पर जिस तरीके से हुकूमत ने कब्जा करवाया, हुकूमत को चाहिए आवाम को पार्किंग के लिए जगह दें, लोगों की सड़कों पर कब्जा करवाकर और आवाम के सड़कों पर कब्जा करवाकर यहाँ जगह न दें। वो पहले इलीगल
पार्किंग स्टैंड की सूरत में आपने वो सारा तमाशा देखा, और अब ये सूरत हाल है कि दादा साहब के बिल्कुल सामने इंक्रोचमेंट की जो लेवल है वो बड़ा है, वो कम नहीं हुआ। मुनहिका सड़कों पर चले जाएं, साथ गलियों में चले जाएं, तो सूरत हाल ज़्यादा खराबी का शिकार हुई है। फहद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।